हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी के लूप्स के बारे में। तो लूप्स मीन्स क्या है? लूप्स मीन्स रिपीटेटिंग द सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाइज। ठीक है, सेम प्रोसेस जो है वो हम मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं और उसे बोलते हैं लूप। ठीक है, एंड एक कंडीशन दी होती है, दैट मीन्स ये फाइनाइट टाइम हम चलाते हैं, तो इसलिए हम एक कंडीशन देते हैं, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब तक ये लूप चलता रहता है। ठीक है, तो देखिए, सपोज अगर हमें 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है, तो हमें 10 बार प्रिंट ऐप राइट करने की ज़रूरत नहीं। दैट मीन्स प्रिंट ऐप देन 1 की वैल्यू प्रिंट करेंगे, अगले प्रिंट ऐप में 2 प्रिंट करेंगे, थर्ड प्रिंट ऐप में 3 प्रिंट करेंगे, तो ऐसे करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसकी जगह हम एक ही प्रिंट ऐप राइट कर सकते हैं, बस उसके लिए एक इटरेशन और इटरेटिंग कंडीशन लेने वाले हैं, तो उसे हम लूप बोलते हैं, जो एक कंडीशन सेटिस्फाई होने तक चलता रहता है। ठीक है, तो इसकी एडवांटेजेस या यूजेस क्या है? देखो, पहले तो लूप हम यूज़ करते हैं कोड रियूजेबिलिटी के लिए। ठीक है, दूसरे ये है कि सेम कोड जो है वो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, एंड थर्ड ये है कि लूप की हेल्प से हम जो कुछ हमारे डेटा स्ट्रक्चर है उसके एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एरे के एलिमेंट हो, लिंक लिस्ट के एलिमेंट हो, तो हम लूप की हेल्प से उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, उस पर भी हम प्रोग्राम लेंगे। ठीक है, अब देखो, पहले सी में ये 3 लूप है, पहला तो डू व्हाइल, सेकेंड व्हाइल एंड थर्ड फॉर लूप। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स याद दिया है, डू देन कोड देन कर्ली ब्रेस व्हाइल एंड देन कंडीशन। ठीक है, बॉटम में यहाँ कंडीशन दी है। ठीक है, तो इस लूप को पोस्ट टेस्टेड लूप भी कहते हैं। पोस्ट टेस्टेड लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार, एटलीस्ट एक बार ये लूप हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है, एक बार चलने वाला है, तो इसलिए इसको पोस्ट टेस्टेड लूप कहते हैं। दैट मीन्स पहले चल जाता है लूप एंड बाद में चेक होता है। ठीक है, पहली बार तो लूप चलता है, बाद में चेक होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप से बाहर आ जाता है हमारा कंट्रोल, एंड अगर फिर कंडीशन अगर ट्रू हुई तो बाद में फिर लूप में चला जाता है, पर एक बार कंपलसरी ये लूप चलता है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स भी हुई आपकी तो भी एक बार एक लूप चलता है, क्योंकि पहले कंडीशन चेक ही नहीं की है, ये पोस्ट टेस्टेड लूप है इसलिए। ठीक है, अब देखिए, हम 3 लूप यहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो हर एक लूप हम अलग अलग जगह यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, दैट मीन्स हर एक लूप की एक स्पेशलिटी है। ठीक है, अगर हमारा प्रोग्राम मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है तो हम डू व्हाइल लूप यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में हमें एटलीस्ट एक बार मेनू शो करने पड़ते हैं, तो इसलिए यहाँ हम इस केस में डू व्हाइल लूप लेने वाले ही है। डू व्हाइल का मेन एम क्या है कि एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, तो जब हमें ऐसी हमारी नीड होगी प्रोग्राम की कि एटलीस्ट एक बार लूप चलाना ही है, ठीक है, तो हम डू व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, जब तीनों लूप कंप्लीट हो जाएगी तो मैं फिर आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा लूप कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, और उस पर प्रोग्राम भी लेने वाली हूँ, अभी तो हम डू व्हाइल का प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं वी एस कोड में जाती हूँ, यहाँ एक फाइल क्रिएट करती हूँ। ठीक है, और ये फाइल सेव करती हूँ मैं डॉट सी से। ठीक है, अब डू व्हाइल लूप का प्रोग्राम है, तो डू व्हाइल लूप ऐसा ही नेम दे देती हूँ मैं प्रोग्राम को। ठीक है, डू व्हाइल लूप डॉट सी। ठीक है, पहले तो हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड। ठीक है, ये देखो, यहाँ हर एक जो कुछ वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, उस हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, तो हैश जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है, इंक्लूड जो है हेडर फाइल इंक्लूड के लिए हम यूज़ करते हैं। यस्टरडे आई ओ डॉट एच हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, एंड हेडर फाइल हो तो इसको डॉट सी एक्सटेंशन है। ठीक है, अब मेन मेथड हम राइट करेंगे। ठीक है, अब हाँ, प्रोग्राम क्या करना है हमें यहाँ कि हम क्या करेंगे, यूज़र से एक नंबर एंटर करके लेंगे। ठीक है, और उसका टेबल बनाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपने यूज़र ने 2 एंटर किया तो 2 का टेबल, 5 एंटर किया तो 5 का टेबल। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25 up to 50 टेबल हमारा बनना चाहिए, तो इसके लिए हम ये प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, अब यूज़र से नंबर हमें यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो हम उसके लिए एक प्रिंट अपेंड स्कैनएप लेंगे। ठीक है, पहले तो यूज़र से वैल्यू लेनी है, वो एक वेरिएबल में स्टोर करना है, तो पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, इंट यन सपोज। ठीक है, मैं यन में नंबर स्टोर करूँगी। अब यूज़र के लिए मैसेज दे देती हूँ, प्रिंट एफ। ठीक है, देन एंटर द वैल्यू, एंटर
वैल्यू, ठीक है, यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो हमें स्टोर करनी है यन में, ठीक है। इसके लिए हम स्कैनफ स्टेटमेंट राइट करेंगे और यन का डेटा टाइप क्या है हमारा, इंटीजर, इंटीजर है तो इसलिए हमें यहाँ परसेंट डी लगाना है एंड वैल्यू स्टोर करने के लिए हम एम परसेंट साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि इस नंबर का टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। तो टेबल कैसे प्रिंट हो जाता है कि ये नंबर इंटू वन, नंबर इंटू टू, नंबर इंटू थ्री, अप टू नंबर इंटू टेन, ऐसा करके टेबल प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू वन टू टेन हो, ठीक है। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल और डिक्लेयर करती हूँ, सपोज़ आई, एंड इसकी वैल्यू क्या क्या कहा जाएगी, वन टू टेन, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल यहाँ ले लिया, ठीक है। अब देखो हम यहाँ डू व्हाइल लूप राइट करने वाले हैं। तो डू व्हाइल का सिंटेक्स क्या होता है, डू, ठीक है, देन ओपन कर लिब्रेस, ठीक है, देन हमारा कोड क्लोज कर लिब्रेस, एंड देन व्हाइल एंड कंडीशन, ठीक है। मैं यहाँ सिंटेक्स लेती हूँ आप डू व्हाइल लूप का। देखो अब यहाँ मुझे क्या करना है कि हमारा जो यन एंड आई जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन हर बार प्रिंट करनी है हमें, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन स्टोर करने के लिए भी मैं एक वेरिएबल और ले लेती हूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है, एंड इसका नाम देती हूँ सपोज मल्ट। मल्टीप्लिकेशन स्टोर करनी हो तो मैं इसमें वन सेव कर देती हूँ, ठीक है, ताकि जीरो करूँगी तो हमारा आंसर ही जीरो आ जाएगा, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई की जाएगी तो वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मल्ट में हम क्या करेंगे, मल्ट इक्वल टू क्या करेंगे, यन इंटू आई, ठीक है, यन इंटू आई एंड सेमी कोलन। अब देखिए हमें क्या करना है, यन एंड आई की जो कुछ वैल्यू आई वो हमें अब प्रिंट करनी है। तो यहाँ हम एक प्रिंट टेप लगाएंगे, ठीक है, प्रिंट टेप। अब मल्ट भी हमारा इंटीजर टाइप का है तो हम क्या करेंगे यहाँ परसेंट डी, ठीक है, डबल कोट, एंड देन परसेंट डी, ठीक है। अब क्या करूँगी मैं, मल्ट की वैल्यू प्रिंट करूँगी। जब प्रिंट करना है तो हमें सीधा वेरिएबल का नाम राइट करना है, तब हमें एम परसेंट साइन नहीं यूज़ करना है, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि आई की जो वैल्यू है ना वो बढ़ानी है लूप में, क्योंकि आई इस बार वन है और आई हमें कहाँ से कहाँ ले जाना है, वन टू टेन, ठीक है। तो इसलिए हम आई हर बार एक से इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, वन इंटू सॉरी यन इंटू वन, यन इंटू टू, यन इंटू थ्री, ऐसा करना है। तो आई की वैल्यू हमें वन से ही इंक्रीमेंट करनी है, और जब आई की वैल्यू हमें वन से इंक्रीमेंट करनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, आई प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट इसको बोलते हैं। दैट मीन्स आप ऐसा लिखते हो ना, आई इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है। तो इसकी ही जगह, दैट मीन्स ये ना लिख के हम क्या करते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं। और पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे करते हैं हम, आई प्लस प्लस, ठीक है, सेमी कोलन। अब हमें कंडीशन यहाँ लगानी है, तो कंडीशन क्या कर क्या हो गया हमारी, कि जब तक हमारा आई टेन से लेस है और इक्वल टू टेन है तब तक हमें लूप चलाना है, ठीक है, क्योंकि हमें एक बार ऐसा भी करना है यन इंटू टेन, ठीक है। दैट मीन्स फाइव का टेबल होगा तो फाइव इंटू टेन फिफ्टी, फिफ्टी तक चलाना है हमें ये लूप, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि जब तक हमारा आई टेन से लेस है या टेन तक है, टेन है, इक्वल टू टेन है, तब तक ये लूप चलेगा। जब हमारे आई की वैल्यू प्लस प्लस करके इलेवन हो जाएगी तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाने वाली है और हमारा जो कंट्रोल है, एग्जीक्यूशन कंट्रोल, ये इस लूप के बाहर आने वाला है, ठीक है। अब मैं ये प्रोग्राम आपको रन करके दिखाती हूँ, सेव करके, ठीक है, टर्मिनल पे जाकर रन करती हूँ मैं, न्यू टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे करती हूँ रन। अब मेरा प्रोग्राम सेव कहाँ है, तो डेस्कटॉप में, जनरल में सेव है, तो मैं पहले वहाँ एंट्री करती हूँ, ठीक है, सॉरी, डेस्कटॉप, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, जनरल सीडी डॉट स्लैश, जनरल में मेरा प्रोग्राम है। आप वहाँ से टर्मिनल ओपन करके रन कर सकते हो, अगर आप पाथ पे नहीं हो जाओ, आपका प्रोग्राम सेव है तो ही ये कमांड आपको करना है, वरना आपको बस जीसीसी एंड आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की कमांड, ये दोनों ही कमांड आपको करने हैं, ठीक है। आप सी का प्रोग्राम है तो सी का कंपाइलर है जीसीसी, ठीक है, एंड मेरे प्रोग्राम का नेम है डू व्हाइल लूप, ठीक है, डू व्हाइल लूप डॉट सी। इससे हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, अगर एरर है तो हमारे लिए शो होगी, नहीं तो हम डायरेक्टली रन करेंगे, ठीक है, डॉट स्लैश ए डॉट
एक से, इससे हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखिए हमें मैसेज आया है एंटर द वैल्यू ऑफ, एंटर द वैल्यू, ठीक है। अब मैं एंटर करती हूँ सपोज टू, ठीक है, तो टू का टेबल प्रिंट होके आएगा। टू का टेबल ऑलरेडी प्रिंट होके आएगा, देखो 2, 4, 6, 8, बट मैंने यहाँ स्पेस नहीं लगाए और ना ही स्लैश एन लगाया। तो मैं नेक्स्ट लाइन पे वैल्यू प्रिंट करती हूँ, सॉरी, नेक्स्ट लाइन पे वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ स्लैश एन देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप टेबल अच्छे से आपको दिख जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन पे लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने प्रोग्राम में चेंज किया है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार कंपाइल भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपाइल करती हूँ एंड फिर बाद में रन करती हूँ, ठीक है। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल हुआ, अब हम रन करते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए फिर मैं एक बार एंटर करती हूँ टू, हाँ, एंटर द वैल्यू मैसेज आया था, मैंने एंटर किया टू, मैं स्पेस देकर एंटर कर दूँ ताकि आप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो टेबल प्रिंट होके क्या आया, 2, 4, 6, 8, 10, जो टू का टेबल है वो पूरा के पूरा यहाँ प्रिंट होकर आया। तो एग्जीक्यूशन कैसे हुआ ये देखो मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ। पहले तो देखिए हमारे मल्ट की वैल्यू जो थी, मल्ट की वैल्यू क्या थी फर्स्ट टाइम, 1, ठीक है। अब यहाँ देखो मल्ट इक्वल टू क्या थे, 1, ठीक है। देन हमारा यन क्या था, 2, यन 2, एंड जो हमारा आई है, आई क्या था, 1। अब देखो हमने क्या किया, मल्ट इक्वल टू एन इंटू आई। अब देखो एन की वैल्यू क्या है, 2, 2 इंटू आई मीन्स प्रिंट क्या, मल्ट में क्या स्टोर हुआ, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मीन्स 2। तो यहाँ प्रिंट हुए हमारे 2, पहली बार हमारे यहाँ क्या प्रिंट हुए, वैल्यू 2, ठीक है। अब हमने क्या किया, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मीन्स आई एक से इंक्रीमेंट हुआ प्लस, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ क्या थी, 1, एक से इंक्रीमेंट हुआ मतलब आई की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अब यह चेक हुई कंडीशन, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो हमारा कंट्रोल फिर से एक बार इस लूप में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुए, एन की वैल्यू ये जो है वो 2 है, पर आई की वैल्यू यहाँ क्या आई है, 2, दैट मीन्स आई की वैल्यू अब हो गई है 2, ठीक है। आई की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2, अब क्या हुए हमारे, 4, मल्ट में क्या स्टोर हुए, 4, तो यहाँ भी क्या आया आंसर हमारा, 4, प्रिंट क्या हुए, 4। अब फिर एक बार आया हमारा प्लस प्लस हुआ, तो आई की वैल्यू पहले 2 थी, ठीक है। अब एक एक से वो इंक्रीमेंट हुआ तो उसकी वैल्यू हो गई 3, ठीक है। आई की वैल्यू अब हमारी 3 हुई, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, फिर एक बार हमारा कंट्रोल लूप में चला गया। ऐसा जब तक हमारे आई की वैल्यू 10 तक नहीं जाती तब तक ये प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। जब हमारे लूप्स कंप्लीट हो जाएंगे, अब बस हमें 2 लूप्स लेने हैं, जब हमारे लूप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम बेसिक से एडवांस तक प्रोग्राम देखने वाले हैं, ठीक है। हर प्रोग्राम में आपको फ्लो समझा के, फ्लो भी आपको समझा दूंगी प्रोग्राम का, एंड खुद से लॉजिक कैसे लगाना है ये भी मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। बाद में हम 1 बाय 1 बेसिक टू एडवांस प्रोग्राम देखने वाले हैं, आज के लिए तो बस डू व्हाइल लूप ही हमें सीखना था, ठीक है। थैंक यू।